कि नेताओं के झूठे वादे और आश्वासनों के दिन अब लद गए हैं। जुबानी जमा खर्च से अब वोट मिलने वाले नहीं है। यूपी के जौनपुर का एक गांव सदरुद्दीनपुर बिजली को लेकर नेताओं के हाथों हाथ बार बार ठगा गया। अब इस गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला कर लिया है। बिजली नहीं तो वोट नहीं, बिजली दो वोट लो। सारे जनप्रतिनिधि धोखेबाज हैं। नेताओं के झूठे वादे और आश्वासनों के दिन अब लद गए हैं। जुबानी जमा खर्च से अब वोट मिलने वाले नहीं हैं। जी हां, तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। सियासी लीडरों की वादा खिलाफी से जौनपुर के गांव सदरुद्दीनपुर में लोगों का गुस्सा उबाल खा रहा है। आम चुनाव के ऐलान के बाद गांव वालों ने फैसला किया है कि वो किसी भी नेता या पार्टी को वोट नहीं देंगे। सिर्फ वोट को बहला फुसला के लेते हैं, करते कुछ नहीं। इसलिए ये तय है कि जो है हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। यूपी के जौनपुर का ये गांव नेताओं के झूठे वादों का गवाह है। आजादी के बाद से ही ये गांव बिजली की एक झलक पाने के लिए तरस रहा है। मुल्क को आजाद हुए 67 साल हो गए, 15 बार लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस गांव के लोगों को बिजली के दर्शन नहीं हो सके। कि हम लोग न किसी को वोट देने जाएंगे, न किसी नेता को जाएंगे। अब दौड़ते दौड़ते समझ लीजिए चांदी का बाल और पैर का तरुआ घिस गया है। पहले वो काम कराएं, फिर वोट लेके जाएंगे। वो लोग जो कराएगा नेता वो वोट ले जाएगा, और जो नहीं कराएगा वो गाँव में कदम नहीं रख पाएगा। गांव के लोगों की उम्मीद पहली बार 1988 में परवान चढ़ी, जब गांव में बिजली कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। लेकिन 26 साल बीतने के बावजूद इन तारों में बिजली नहीं दौड़ी। गांव में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। रात होते ही सदरुद्दीनपुर में सन्नाटा पसर जाता है। गाँव का हर शख्स बिजली के लिए खून के आंसू रो रहा है। किसी तरीके से जनरेटर द्वारा भाड़े पे ला के भराई जुताई की जा रही है। मतलब लाइन इतनी नहीं आ है यहाँ पे कि आदमी पढ़ लिख सके या गर्मी का कोई आदमी पंखे की हवा ले सके। किसी तरीके से यहाँ जीवन यापन हो रहा है। सदरुद्दीनपुर गांव सिर्फ बिजली की मार झेल रहा हो ऐसा नहीं है। 1988 में बिजली कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना गाँव के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। बिजली आई नहीं, लेकिन हर कनेक्शन का बिल 50,000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। हम लोगों के यहाँ बिजली कनेक्शन पास करवाए हैं, न तार है न खंबा, किसी की 60,000 आके रखी हुई, कहाँ से हम लोग करेंगे। एक तरफ गांव में बिजली नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से गांव का हर परिवार हजारों का कर्जदार हो गया है। ऐसे में लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा इसी गुस्से की वानगी है। मोहम्मद काजिम, जौनपुर, न्यूज 24।